हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। देखिए, आज ये हमारा मॉल कंसेप्ट का फोर्थ लेक्चर है और स्टार्टिंग के तीन लेक्चर्स के अंदर हम मॉल के सारी प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्कस कर चुके हैं। मॉल की क्या एप्लीकेशंस है, केमिस्ट्री के अंदर मॉल का क्या इंपॉर्टेंट रोल है, वो सारे पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर किसी बच्चे को मॉल के अंदर कोई भी डाउट है तो वो हमारे लास्ट जो थ्री वीडियोज़ हैं उन थ्री वीडियोज़ को वो ज़रूर देखें, ठीक है। क्योंकि हम उन थ्री वीडियोस के अंदर लिमिटिंग रिएजेंट, एक्सेस रिएजेंट के बारे में भी बात कर चुके हैं। कोई भी वहाँ पर हम बात कर चुके हैं कि कोई भी रिएक्टेंट है, उन रिएक्टेंट की रिएक्शन होती है तो कितने अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट आपका फॉर्मेशन होगा, तो वो सारी चीज़ें हम लास्ट के तीन लेक्चर्स के अंदर क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। आज का जो लेक्चर है उसके अंदर हम डिस्कस करेंगे मोल फ्रैक्शंस को और मोलैलिटी वाले पार्ट को हम आज क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की ही बात कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो, मोल फ्रैक्शन की बात करें उससे पहले मैं बात करना चाहूँगा मास परसेंटेज की बात करना चाहूँगा, ठीक है। क्योंकि मास परसेंटेज आपको समझ में आएगा तो मोल फ्रैक्शन को समझना बहुत ही आसान होगा। तो सबसे पहले हम मास परसेंटेज की बात करते हैं। तो देखिए, जब हम मास परसेंटेज की बात करेंगे तो उस पॉइंट को समझने से पहले हमें एक छोटे से पार्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। वो पार्ट है आपके पास सॉल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि सॉल्यूशन है क्या और होता क्या है सॉल्यूशन, ठीक है। तो सॉल्यूशन को हम एक बार बात करते हैं, सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन होता है आपके पास इज अ होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। अगर हम होमोजीनियस की बात करें तो होमोजीनियस आप लोगों ने बहुत बार नाम सुना होगा और आपने पढ़ा होगा कि होमोजीनियस का मतलब है विच कंटेन ए सिंगल फेज, ठीक है। लेकिन हम होमोजीनियस की बात करेंगे कि होमोजीनियस का मतलब होता है हैविंग कॉन्स्टेंट कंपोजिशन थ्रू आउट। कॉन्स्टेंट कंपोजिशंस का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जाम्पल आपने एक ग्लास वाटर लिया, उस ग्लास वाटर के अंदर आपने शुगर को ऐड किया, ठीक है। आपने एक ग्लास वाटर के अंदर क्या किया, शुगर को ऐड किया, ठीक है। तो जब शुगर ऐड करने के बाद जब आप पानी को टेस्ट करते हैं तो आप पढ़ते हैं, आप फील करते हैं कि फर्स्ट जो आपने सिप ली और लास्ट सिप ली तो हर सिप का जो टेस्ट है वो टेस्ट क्या है, आपके पास सिमिलर टेस्ट है। वो क्यों आता है, क्योंकि स्टार्टिंग से लेके लास्ट तक शुगर की और वाटर की जो कंपोजिशंस है वो हमेशा क्या रहती है, आपके पास कॉन्स्टेंट रहती है, ठीक है। तो वो उसका एक रीज़न होता है। तो फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि हमने मास ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट को आपने ऐड किया, मतलब आपके पास सोल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास वो इक्वल होगा मास ऑफ सॉल्यूशन के। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पास सोल्यूट का मास दे रखा हो तो आप सॉल्वेंट का मास निकाल सकते हो। कैसे, सॉल्यूशन के मास में से सोल्यूट के मास को क्या कर दीजिए, आप माइनस कर दीजिए, ठीक है बेटा। तो देखो, अब यहां पर हमने कहा फॉर एग्जाम्पल आपने x ग्राम आपने सोल्यूट लिया और y ग्राम आपने क्या लिया, सॉल्वेंट लिया। दोनों को मिक्स किया तो सॉल्यूशन का मास कितना हो गया, x प्लस y। तो आपने निकालना है मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट। तो सॉल्यूट का मास परसेंटेज किसके बराबर होगा, x अपॉन में x प्लस y, क्योंकि इस सॉल्यूशन के अंदर x अमाउंट क्या है आपका, सॉल्यूट का है, और टोटल मास कितना है आपके पास, x प्लस y। परसेंटेज निकाल रहे हो तो आप क्या कर दोगे, 100 से मल्टीप्लाई, ठीक है। सेम वे से आप निकालोगे मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट का मास परसेंटेज कैसे निकालोगे, मास ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशंस इनटू में क्या कर दोगे आप, 100 कर दोगे। बात आ रही है समझ में, कोई दिक्कत। तो ये आपने जब परसेंटेज की अगर मैं बात करूं तो परसेंटेज आपने शायद फिफ्थ या सिक्स क्लास के अंदर मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें तो केमिस्ट्री के अंदर जो मोल कंसेप्ट है उसको भी आप फिफ्थ और सिक्स क्लास का जो मैथमेटिक्स आपने स्टडी किया है उसी मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंग आप इसको स्टडी करें, आपको मोल कंसेप्ट में कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अगर आप मोल कंसेप्ट में फॉर्मूलाज के रट्टे मारोगे तो आपको मोल कंसेप्ट के अंदर डेफिनेटली प्रॉब्लम आनी है, ठीक है। तो बेटर तरीका क्या है, आप अपने फिफ्थ क्लास का जो जनरल मैथमेटिक्स था उस मैथमेटिक्स को क्या करें, फॉलो करें, ओके। अब मैं यहाँ पर एक चीज़ और बताता हूँ, ठीक है। वो क्या पार्ट क्या है आपके पास,
सिर्फ स्टेटमेंट में वो थोड़ा सा चेंज कर देता है। वो स्टेटमेंट में क्या चेंज होता है, फॉर एग्जांपल आपने क्या लिया, सॉल्यूट का मास लिया था आपने एक्स ग्राम, सॉल्वेंट का मास क्या लिया था वाई ग्राम। अब ये स्टेटमेंट में थोड़ा सा चेंज कर देता है कि वो पूछे, वो सवाल देगा आपसे, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। अब वो यहां पर आपसे सॉल्वेंट के विद रिस्पेक्ट पूछ रहे हैं, ना कि वो आपसे सॉल्यूशन के विद रिस्पेक्ट पूछ रहे हैं। तो इस केस में आप क्या करोगे, तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्यूट वो किसके इक्वल होगा आपके पास, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मास ऑफ सॉल्वेंट। तो आपने यहां पर मास किसका लिया, सॉल्वेंट का मास लिया, ना कि सॉल्यूशन का मास लिया। यहां पर कैलकुलेट करा रहा है विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट, तो इसलिए आप यहां पर मास किसका लोगे, सॉल्वेंट का मास लोगे, इनटू में क्या कर दोगे आप 100 कर दोगे। तो इस तरीके से आप मास परसेंटेज सॉल्यूट का निकाल सकते हो विद रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट। ओके, अब देखिए, अब हम आते हैं मोल फ्रैक्शन के ऊपर। तो मोल फ्रैक्शन को आप कैसे स्टडी करते हैं, हमने कहा ये आपने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर में लिया आपने सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स लिए एन ए, आपने एक और कंटेनर लिया, उस कंटेनर के अंदर आपने लिया सॉल्वेंट, ठीक है। यहाँ पर सॉल्वेंट के नंबर ऑफ मोल्स लिया आपने एन बी। जब आपने इन दोनों को मिक्स किया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, तो आपके पास फॉर्मेशन हुआ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं वो कितने होंगे, एन ए प्लस एन बी, ठीक है। अब फ्रैक्शन जो है, जैसे परसेंटेज है, परसेंटेज का मतलब होता है पार्ट ऑफ 100, फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, पार्ट ऑफ 1, ठीक है। तो आपने वहां पर मास परसेंटेज कैलकुलेट किया था, मतलब आपने मास को 100 के पार्ट में आपने कैलकुलेट किया था। यहां पर आप मोल फ्रैक्शन मीन्स आप पार्ट 1 में मोल्स को कैलकुलेट करोगे, ठीक है। दूसरी बात यहां पर नोट कर लेना इस पॉइंट को, जब आप इंडिविजुअल की बात करते हो, जैसे आपने सॉल्यूट की बात की, इंडिविजुअल की बात की, तो यहां पे प्योर आपका सॉल्यूट है, कोई और चीज प्रेजेंट नहीं है। तो जब आपके पास कोई प्योर फॉर्म में प्रेजेंट है, प्योरली प्रेजेंट है, तो आप हमेशा मोल्स को कैलकुलेट करोगे। जब आप मिक्सचर की बात करोगे तो वहां पर आप किसकी बात करेंगे, फ्रैक्शन की बात करेंगे, ठीक है। तो मैं यहां पर लिख देता हूं, इंडिविजुअल के लिए ऑलवेज आप टर्म यूज करते हैं मोल, लेकिन जब आप सॉल्यूशन की बात करोगे, या मैं कहूं मिक्सचर की बात करोगे, ठीक है, तो मिक्सचर के लिए आप किसकी बात करते हो, मोल फ्रैक्शन के टर्म की आप बात करते हो, ठीक है। आप हमेशा मोल फ्रैक्शन को क्या करते हैं, वहां पर यूज करते हैं, क्योंकि सॉल्यूशन के अंदर ना तो प्योर आपका सॉल्यूट है, ना ही प्योर आपके पास सॉल्वेंट है, ठीक है। तो उसमें कुछ पार्ट सॉल्यूट का है, कुछ पार्ट सॉल्वेंट का, तो कुछ पार्ट को हमने क्या बोला है, यहां पर फ्रैक्शन बोला है, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन का जो सिंबल है वो होता है आपके पास एक्स। तो मैं यहां से मोल फ्रैक्शन निकालता हूं सॉल्यूट के, तो सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं सॉल्यूट के, एन ए अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या है, एन ए प्लस एन बी, ठीक है। फ्रैक्शन के लिए आपको मल्टीप्लाई करना होता है कितने से, वन से, बट वन से मल्टीप्लाई करने का कोई फर्क है ही नहीं। तो आप एक्स को डायरेक्ट क्या लिख दोगे, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, और एक्स बी की मैं बात करता हूं तो वो किसके बराबर होगा, एन बी अपॉन में एन ए प्लस, ठीक है। अगर आपने लास्ट वीडियो लेक्चर नहीं देखा तो वो जरूर देखिए, क्योंकि हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने का फॉर्मूला यहाँ पर डायरेक्ट यूज करेंगे। तो वो क्या होता है, डब्ल्यू ए बाई एम ए, और एन बी की मैं बात करूंगा तो वो किसके बराबर होगा, डब्ल्यू बी बाई एम बी के बराबर होता है, ठीक है बेटा। अब मैं यहाँ पर एक टर्म और तैयार करता हूँ, मैंने कहा मैंने एक्स ए प्लस एक्स बी दोनों को मैंने ऐड करूँगा, तो जब आप इस पार्ट को भी ऐड करोगे, इस पार्ट को भी ऐड करोगे, तो ये पार्ट जो है आपके पास इक्वल हो जाएगा किसके, वन के हो जाएगा। अगर फॉर एग्जांपल आपसे किसी एक का डाटा गिवन है, फॉर एग्जांपल आपसे बी का डाटा गिवन है, तो आप ए का डाटा निकाल सकते हो जो कि किसके इक्वल होगा, वन माइनस एक्स बी के इक्वल होगा। अगर आपसे ए का डाटा दे रखा है तो आप बी का निकाल सकते हो, वो किसके बराबर होगा, एक्स बी इज इक्वल टू में वन माइनस एक्स ए के बराबर हो जाएगा आपका। पॉइंट क्लियर है, ठीक है बेटा, ओके। अब यहां पर कुछ न्यूमेरिकल है मोल फ्रैक्शन के, उन न्यूमेरिकल को हम यहां पर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल क्या रहा है, 4.6 ग्राम ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल का मास, इथेनॉल जो है वो आपके पास सोल्यूट है, ठीक है। तो इसको मैं ए से मेंशन करता हूं, ये कितना है आपके पास, 4.6 ग्राम है। इज मिक्स विद वाटर टू फॉर्म 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो यहां पर आपके पास सॉल्यूशन है, ठीक है। सॉल्यूशन का मास कितना दे रखा है, 10 ग्राम, ठीक है बेटा।
तो यहां से आप वोटर, वोटर क्या है आपके पास, सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट का मास किसके बराबर होगा, सॉल्यूशन के मास में से आप सॉल्यूट के मास को घटा दीजिए, क्या आएगा 5.4 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, आपको अगर नंबर ऑफ मोल्स निकालने एन ए तो डब्ल्यू ए बाई एम ए होगा, तो डब्ल्यू ए कितना है यहाँ पर 4.6, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो सॉल्यूट का मास लिया आपने 4.6 अपॉन में मॉलिकुलर मास ऑफ इथेनॉल, तो इथेनॉल का मॉलिकुलर मास कितना होता है, देखो एक बार 12 × 24, 6 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, तो कितना हो गया 46 ग्राम्स हो गया। ठीक है, तो बाई क्या कर दिया 46, क्या आ गया 0.1। सेम वे से मैं वाटर का निकाल दूंगा, तो वाटर का किसके बराबर होगा, तो देखो वाटर का मास आपके पास 5.4, वाटर का मॉलिकुलर मास होता है 18, सिंप्लीफाई करोगे क्या आएगा 0.3 हो जाएगा। पॉइंट क्लियर है क्या? तो अब हमें निकालना है मोल फ्रैक्शन निकालना है हर पार्ट का, तो आपके पास जो एक्स ए है वो किसके बराबर है, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी के बराबर है, तो एक्स ए जो है सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो गया 0.1 अपॉन में एन ए है 0.1, एन बी है 0.4, क्या आ गया 1/5, सिंप्लीफाई करोगे 0.2। एक्स बी निकालने का क्या तरीका है, 1 माइनस एक्स ए, क्या आएगा 1 माइनस 0.2, तो एक्स बी किसके बराबर हो जाएगा 0.8। ठीक है, तो अगर आप मान लीजिए इस तरीके से निकालते हो, ठीक है इस तरीके से निकालते हो, तो आप इस तरीके से सिर्फ अपनी कैलकुलेशन को बड़ा कर रहे हो, आप सवाल तो निकल आएगा बट अपनी कैलकुलेशन को क्या कर रहे हो, लेंथी कर रहे हो, तो बेटर तरीका क्या है, इस तरीके से उसको सॉल्व कर दीजिए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट न्यूमेरिकल की बात करते हैं, तो नेक्स्ट न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर कह रहा है कि एक्वा सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, यहाँ पर अब आपके पास सॉल्यूट क्या आना है, ग्लूकोज है C6H12O6, इस 36% बाई मास ऑफ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन के मास का कितना है 36% है। ठीक है, तो आपने मान लिया लेट सॉल्यूशन का मास कितना मान लिया आपने 100, उसका 36% है, तो मतलब 36 ग्राम आपके पास कौन है ग्लूकोज, 100 ग्राम है आपके पास सॉल्यूशन, तो वाटर कितना हो गया मतलब सॉल्वेंट कितने ग्राम हो गया, 100 माइनस 36 कर दीजिए क्या आएगा 64 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शंस ऑफ ग्लूकोज, आपने ग्लूकोज का मोल फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल लो ग्लूकोज के, तो 36 अपॉन में ग्लूकोज का मॉलिकुलर मास कैलकुलेट करोगे 180 होता है, सिंप्लीफाई करोगे 0.2। ठीक है, एन बी की बात करूंगा तो ये क्या आएगा 64/18। ठीक है, इसको आप सिंप्लीफाई कर लेना कितना आएगा। ठीक है, मोल फ्रैक्शन निकालना है क्या आएगा, एन ए अपॉन में एन ए प्लस एन ए की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दीजिए, एन ए की वैल्यू ये पुट हो जाएगी, एन बी की वैल्यू को सोल्व कर दीजिए, यहाँ पे पुट कर दीजिए, आपका मोल फ्रैक्शन जो है वो ग्लूकोज का क्या हो गया, निकल गया। अगर आपसे वाटर का पूछ रहा होता तो 1 - xA उसको कर देते। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर दूसरे पार्ट में क्या कह रहे हैं, एज ऑल्सो एक्सप्रेस परसेंटेज कंसंट्रेशन बाई मास ऑफ वाटर, मतलब आपने वाटर के मास के विद रिस्पेक्ट भी कंसंट्रेशन बतानी है ग्लूकोज की, तो अगर मास की बात कर रहे हैं तो ग्लूकोज का भी आप क्या लोगे, मास लोगे, तो आप यहाँ पर क्या लिखोगे, मास परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज, और ये आप निकालोगे वाटर के विद रिस्पेक्ट, ना कि सॉल्यूशन के विद रिस्पेक्ट। ठीक है, तो हमने क्या बताया था, जब सॉल्यूशन सॉल्वेंट के विद रिस्पेक्ट निकालोगे तो आप सॉल्वेंट का मास यूज़ करोगे, जब आप सॉल्यूशन के विद रिस्पेक्ट करते हो तो सॉल्यूशन का मास यूज़ करोगे। ठीक है, तो सॉल्यूट है आपके पास कौन, ग्लूकोज, सॉल्वेंट कौन है आपके पास वाटर, तो वाटर के विद रिस्पेक्ट निकालना, 36 × 2 = 64 × में क्या कर दीजिए 100, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है बेटा, अगले पार्ट की बात करते हैं, तो अगला पार्ट भी कुछ ऐसा ही है, अगले पार्ट को देखिए क्या कहता है, इसमें कहता है कि 50 ग्राम ऑफ 20% एक्वस यूरिया सॉल्यूशंस बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के मास का 20% है, इज कूल्ड व्हेन 4 ग्राम ऑफ यूरिया इज सेपरेट, व्हाट इज द चेंज इन मोल फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। तो देखो यहाँ पर हम कंप्लीट कैलकुलेशन नहीं करेंगे, मैं आपको पाथ दिखाऊंगा, यहाँ पर आपने सोल्व खुद करना है। ठीक है बेटा, देखो यहाँ पर इसने कहा जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन का मास कितना है आपके पास 50 ग्राम। ठीक है, यूरिया कितना है इसमें 20%, मतलब 10 ग्राम इसमें यूरिया है, वाटर कितना हो गया आपके पास 40 ग्राम। ठीक है बेटा,
यहाँ से यूरिया के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे, यहाँ से वाटर के नंबर ऑफ मोल्स निकाल लोगे, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास बाई मॉलिकुलर मास, ठीक है। उस तरीके से आप इसको निकाल लोगे, ठीक है। अब ये क्या कह रहे हैं कि व्हाट इज द चेंज इन मोल्स फ्रैक्शन ऑफ यूरिया। ये कहता है कि 4 ग्राम जब आपने यूरिया सेपरेट कर लिया कूल करने के बाद सॉल्यूशन को, तो ये कह रहा है कि मोल फ्रैक्शन में कितना चेंज हुआ, मतलब आपने मोल फ्रैक्शन निकालना है। तो एक्स ए निकाल लोगे किसके बराबर होगा, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। यहाँ से आपका एक्स ए आ जाएगा, एन ए और एन बी की वैल्यू जो फाइंड आउट करोगे उनको यहाँ पे पुट कर देना, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि जब हमने इस सॉल्यूशन को कूल किया, क्या किया, कूल किया, तो हमने इसमें से 4 ग्राम यूरिया क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। अब पहले यूरिया था 10 ग्राम, 4 ग्राम निकाल दिया, बचा यूरिया कितना, 6 ग्राम। वाटर तो उतना का उतना ही रहेगा, वाटर तो 40 ग्राम ही है। यहाँ से अब फर्दर नंबर ऑफ मोल्स निकाल लीजिए, यूरिया के नंबर ऑफ मोल्स वाटर के निकाल लोगे, मोल फ्रैक्शन निकल आएगा एन ए अपॉन में एन ए प्लस एन बी। पहले मोल फ्रैक्शन कुछ ये था, बाद में मोल फ्रैक्शन कुछ ये हो गया, यहाँ से यहाँ पर गया तो कितना चेंज हुआ वो आप माइनस कर दीजिए। तो फर्स्ट वाले में से सेकंड वाले को क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे। माइनस करने के बाद वो आपका चेंज हुआ रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है बेटा, ट्राई करना इसको। अगला न्यूमेरिकल क्या कहता है, अगले न्यूमेरिकल को देखो ज़रा ध्यान से, ठीक है बेटा। देखो अगले न्यूमेरिकल में कहता है आपके पास मोल्स ऑफ नेप्थलीन, मोल फ्रैक्शंस ऑफ, यहां पर आपसे मोल फ्रैक्शन ही गिवन है, मोल फ्रैक्शंस ऑफ नेप्थलीन, नेप्थलीन का मोल फ्रैक्शन दे रखा है, ठीक है। नेप्थलीन क्या है, C10H8, नेप्थलीन का मोल फ्रैक्शन दे रखा है 0.2। हमने यहां पर बेंजीन का मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं C6H6, क्योंकि जो सॉल्यूशन है वो नेप्थलीन और बेंजीन से मिलकर बना है। हमने क्या कहा था, एक में से दूसरे को घटा दो, कितना आ जाएगा 0.1। आपको हमने फॉर्मूला बताया था एक्स ए किसके बराबर होता है, 1 माइनस एक्स बी के। एक्स बी मान लीजिए दे रखा है तो आप एक्स ए निकाल सकते हो, 1 माइनस क्या कर देंगे, एक्स बी कर देंगे। तो वही किया हमने, 1 माइनस 0.2, क्योंकि एक की वैल्यू आपसे दे रखी है, ठीक है। अभी कह रहा है कि कैलकुलेट द परसेंटेज कंसेंट्रेशन ऑफ नेप्थलीन बाय द मास ऑफ सॉल्यूशन। अब आपने जो कंसेंट्रेशन निकालनी है नेप्थलीन की, वो मास के टर्म में निकालनी है, बट इस बार जो सवाल है वो विद रिस्पेक्ट टू किसके है, सॉल्यूशन के है। तो मास निकालना है तो मोल फ्रैक्शन को आपने किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मास के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो देखो मोल फ्रैक्शन जो है क्या फॉर्मूला होता है, एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। इसके एक्स ए की वैल्यू क्या दे रखी है, 0.2। एक्स बी जो है वो किसके बराबर होगा, एन बी अपोन में एन ए प्लस एन बी। ये वैल्यू किसके बराबर है, 0.8। आपने भैया एक्स ए को डिवाइड कर दिया एक्स बी से, ठीक है। तो जब डिवाइड करोगे तो इस एन ए प्लस एन बी से ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, एन ए अपोन में एन बी। एन ए को क्या लिख सकते हो, डब्ल्यू ए बाई एम ए लिख सकते हो, और एन बी को क्या लिख सकते हो, डब्ल्यू बाई एम बी लिख सकते हो। किसके बराबर है, 0.2 अपॉन 0.4, 0.2 अपॉन 0.8। सिंप्लीफाई करोगे क्या आ गया, 1/4, ठीक है। तो देखो डब्ल्यू ए इंटू में ये है मॉलिकुलर मास ऑफ बेंजीन, बेंजीन का मॉलिकुलर मास कितना होता है, 78। भैया चेक कर लेना यहाँ पर, 12 6 72 जमा में 6 कितना हो जाएगा, 78 हो जाएगा, ठीक है। MB है मॉलिकुलर मास ऑफ नेप्थलीन, नेप्थलीन का कितना होगा, 12 × 10 = 120 जमा में 8 कितना हो जाएगा, 128, ठीक है। तो ये आ गया 128 इनटू में क्या है, WB इज इक्वल टू में आ गया 1/4। तो WA बाई WB किसके बराबर आ गया तुम्हारे पास, 1/4 इनटू में 128 अपॉन में 78। सिंप्लीफाई करोगे तो WA बाई WB इज इक्वल टू आएगा 32 अपॉन में 78। इसका मतलब WA है 32 और WB कितना है, 78। WA ये तो हो गया सॉल्यूट, मतलब नेप्थलीन, कितना है आपके पास, 32। WB क्या हो गया आपके पास, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट कितना आपके पास, 78। तो सॉल्यूशन का कितना हो जाएगा, दोनों को मैं ऐड कर दूंगा तो 32 प्लस 78 कितना आएगा, 1110। मेरे को मास निकालना है, मास कंसंट्रेशन निकालनी है नेप्थलीन की, ठीक है। तो मास परसेंटेज, मास परसेंटेज ऑफ नेप्थलीन की निकालूंगा, परसेंटेज ऑफ नेप्थलीन CH करूंगा तो किसके बराबर आएगा, मास ऑफ नेप्थलीन 32 अपॉन में सॉल्यूशन का मास 110 गुणा में परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा।
सिंप्लीफाई कर दोगे आपके पास क्या आ जाएगा, परसेंटेज आ जाएगा मास का C10H8 का। पॉइंट क्लियर है? ठीक है बेटा, देखो अब अगला। तो अगला जो टॉपिक है वो है आपके पास मोलेलिटी। तो मोलेलिटी जो है उसको आप स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मोलेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन या मिक्स विद केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब यहां पर एक चीज देखें, यहां पर आपके पास सॉल्यूट का भी मास है और सॉल्वेंट का भी मास है, तो अगर मैं टेम्परेचर राइज करूंगा क्या मोलेलिटी के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? नहीं। ठीक है, तो टेम्परेचर चेंज डज नॉट पुट एनी इफेक्ट ऑन मोलेलिटी। ठीक है, अगर टेम्परेचर का चेंज मोलेलिटी के ऊपर फर्क नहीं लेके आता तो उसका मतलब क्या हुआ कि मोलेलिटी जो है वो सबसे बेस्ट तरीका है कंसंट्रेशन को कैलकुलेट करने का। ठीक है बेटा, तो मैं लिखता हूं मोलेलिटी इज द बेस्ट वे टू कैलकुलेट कंसंट्रेशन। ठीक है बेटा, तो देखो अब मैं मोलेलिटी की बात कर लेता हूँ। मोलेलिटी का फॉर्मूला डेफिनेशन क्या थी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट मींस एन ए अपॉन में केजी ऑफ सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट है डब्ल्यू बी बट इसका मास किस में है, केजी में। फॉर एग्जांपल सॉल्वेंट का मास आपसे ग्राम में गिवन होता, किस में गिवन होता, ग्राम में। तो ग्राम को केजी में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे तो 1000 ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो एन ए इंटू में 1000 अपॉन में डब्ल्यू बी है आपका ग्राम में। नंबर ऑफ मोल्स किसके बराबर होंगे, डब्ल्यू ए बाई एम ए इंटू में 1000 इंटू में डब्ल्यू बी, ये किस में रहेगा, ग्राम में। पॉइंट आ गया समझ में या नहीं आया? ओके, देखो अब आगे, अब हम कुछ एग्जाम्पल करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो एग्जाम्पल, उस एग्जाम्पल को एक बार जरा ध्यान से देखना। ठीक है, ये कह रहा है आपके पास 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन ऑफ यूरिया इन वाटर हैज 40 ग्राम ऑफ यूरिया। ठीक है, सॉल्यूशन का जो मास है वो है आपके पास 100 ग्राम। ठीक है, इस 100 ग्राम में यूरिया कितना है आपके पास, 40 ग्राम। ठीक है बेटा, यूरिया कितना है आपके पास, 40 ग्राम। व्हाट इज द मोलेलिटी ऑफ यूरिया, मोलेलिटी का फॉर्मूला आपको पता ही है, डब्ल्यू ए इंटू में 1000 अपोन में एम ए इंटू में डब्ल्यू बी। डब्ल्यू ए आपसे दे रखा है, मतलब मास ऑफ यूरिया आपके पास गिवन है, मॉलिकुलर मास आप निकाल लोगे। डब्ल्यू बी बचा, डब्ल्यू बी हम यहाँ से निकाल लेंगे, वाटर का मास कितना होगा, 100 माइनस क्या कर देंगे 40, तो कितना आ जाएगा, 60 ग्राम। ठीक है बेटा, तो क्या आ गया मोलेलिटी, डब्ल्यू ए है आपके पास 40 इंटू में 1000 अपोन में मॉलिकुलर मास जो है आपके पास यूरिया का कितना होता है, 60 होता है, इंटू में डब्ल्यू बी कितना निकाला आपने, 60। इसको कैलकुलेट कर लोगे तो आपके पास मोलेलिटी कैलकुलेट हो जाएगी या नहीं होगी, हो जाएगी। अब उसके बाद कह रहा है कि आपने मोल फ्रैक्शन भी निकालना है यूरिया का, तो यूरिया का मोल फ्रैक्शन भी निकालना है, तो मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स ए इज इक्वल टू में एन ए बाई डब्ल्यू ए अपॉन सॉरी डब्ल्यू ए बाई एम ए। ठीक है, डब्ल्यू ए बाई एम ए प्लस डब्ल्यू बी बाई एम बी। भैया हमने यहाँ पर जो नंबर ऑफ मोल्स थे उन नंबर ऑफ मोल्स को डायरेक्ट कन्वर्ट कर दिया उनके फॉर्म में डब्ल्यू बाई एम के फॉर्म में। ठीक है, और कुछ नहीं किया हमने यहाँ पे। तो डब्ल्यू ए कितना है आपके पास यूरिया का, 40 है अपोन में यूरिया का मोलिकुलर मास है 60 अपोन में 40 बाई 60 फर्दर हो गया प्लस, क्योंकि डब्ल्यू ए बाई एम ए है प्लस डब्ल्यू बी बाई एम बी। डब्ल्यू बी कितना है आपके पास, वाटर का मास कितना है 60 अपॉन में वाटर का मॉलिक्यूलर मास कितना है 18। तो आप इसको सोल्व करेंगे तो आप इसको यहाँ से एक्स ए को क्या कर लेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। अब यहाँ पर साथ के साथ अगर वाटर का भी पूछ रखा होता मोल फ्रैक्शन तो आप एक्स भी कैलकुलेट कर देते हैं, 1 माइनस एक्स ए करके आप उसको फाइंड आउट कर देते हैं। बात आ रही है समझ में? ठीक है, अब देखो नेक्स्ट।
नेक्स्ट में कहता है, नेक्स्ट सवाल जो है काफ़ी अच्छा सवाल है, इस सवाल को एक बार बहुत केयरफुली सवाल को देखना, ठीक है। ये कह रहा है कि कैलकुलेट द मोलेलिटी, मोलेलिटी निकालनी है, मोलेलिटी निकालनी है, मोलेलिटी का फॉर्मूला लिख लीजिए, क्या होता है डब्ल्यू ए बाई एम ए इंटू में डब्ल्यू बी, अगर वो ग्राम में है, इंटू में क्या कर दिया 1000, ठीक है। उसने कहा मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 93% H2SO4 वेट बाई वॉल्यूम। अब इस चीज़ को एक बार ज़रा ध्यान से देखना, आपको डाटा मिलता है परसेंट ऑफ सॉल्यूट, परसेंट ऑफ सॉल्यूट, या तो मिलता है W बाई W के टर्म में, या मिलता है परसेंट ऑफ सॉल्यूट W बी W बाई V की फॉर्म में मिलता है। तो जब हम बात करते हैं W बाई W, तो ये W होता है मास ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है बेटा, और ये जो W है ये होता है मास ऑफ सॉल्यूट। इसका मतलब क्या हुआ कि मैं सॉल्यूशन के मास का इतना परसेंट लूंगा तो वो सॉल्यूट के इतने मास के क्या होगा, इक्वल होगा। जब हम बात करते हैं W बाई V की, तो ये जो V है ये होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और ये जो W है ये होता है मास ऑफ सॉल्यूट। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम सॉल्यूट के इतने परसेंट, मतलब अगर वॉल्यूम का इतना परसेंट अगर हम लेंगे तो वो इक्वल होगा सॉल्यूट के मास के। बात समझ में आ रही है? तो यहां पर उसने बोल रखा है डब्ल्यू बाई वी की टर्म बोल रखा है, मतलब इस टर्म की बात कर रखी है कि मैं 93% लूंगा जो सॉल्यूशन है उसके वॉल्यूम का, तो 93% लेने के बाद जो आएगा वो मास होगा सॉल्यूट का। तो मैंने मान लिया, क्योंकि वॉल्यूम दे नहीं रखा, लेट मैंने मान लिया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना आपके पास 1000 ml है, मैं निकालता हूँ मास ऑफ सॉल्यूट निकालता हूँ, मतलब मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड निकालता हूँ, 1000 का मैं 93% ले लूँगा तो कितना आ जाएगा 930 ग्राम आ गए, ठीक है। दूसरे डाटे में आपको यहाँ पे डेंसिटी भी गिवन है, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो मास ऑफ सॉल्यूशन निकालो भाई, मास ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर आएगा, डेंसिटी इनटू में वॉल्यूम, डेंसिटी आपके पास 1.84, वॉल्यूम आपने कितना मानना है 1000, ठीक है बेटा। तो मास कितना आ गया सॉल्यूशन का 1840, ठीक है, मास ऑफ सॉल्यूट ये रहा, मास ऑफ सॉल्यूशन आ गया, मास ऑफ सॉल्वेंट निकाल दोगे, मास ऑफ सॉल्वेंट किसके बराबर होगा, सॉल्यूशन के मास में से सॉल्यूट का मास घटा दो, ठीक है, तो कितना आएगा 910 ग्राम, ये मास आ गया आपके पास किसका, सॉल्वेंट का आ गया। WA आपके पास गिवन है कितना 930, पुट कर दीजिए। MA मॉलिक्यूलर मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कितना होता है 98 होता है, ये वैल्यू पुट कर दीजिए। WB आपने कैलकुलेट किया है ये 910, इन सारी वैल्यूज को पुट करोगे तो मोलेलिटी आपके कैलकुलेट हो जाएगी या नहीं होगी, हो जाएगी, ठीक है। तो बेटा इतने आप करना, ठीक है, और जिन बच्चों ने मोल कंसेप्ट की फर्स्ट सेकंड थर्ड वीडियो नहीं देखी है, मोल कंसेप्ट की उन वीडियोस को ज़रूर देखें, ताकि आपको ये क्लियर होगा कि मोल क्या है, मोल की अप्लीकेशंस क्या है, केमिस्ट्री के अंदर मोल का क्या रोल है, कितना यूज़फुल है। तो ये इतना पार्ट ज़रूर करना, ठीक है बेटा। बाकी अगले लेक्चर्स के अंदर हम बात करेंगे मोलेरिटी की, बात करेंगे नॉर्मलिटी की, बात करेंगे और फॉर्मलिटी की बात करेंगे, ठीक है बेटा। चलिए, ओके, थैंक यू।